देश के लिए हर घर तिरंगा जरूरी है, तो देश की जनता के लिए हर घर रोजगार क्यों नहीं। स्वतंत्रता दिवस पर सरकार ने ऐलान किया हर घर तिरंगा लगे, तो अब हर घर हर हाथ रोजगार क्यों नहीं। तिरंगे के साथ देश को बताना होगा भारत के युवाओं का भविष्य क्या होगा, तभी जाकर विश्व गुरु बनेगा हमारा हिंदुस्तान। भारत के गांव से लेकर शहर तक युवा बेरोजगार हैं, बेरोजगारी के तमाम रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इस बात की चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी है। देश के प्रधानमंत्री हर महीने बेरोजगारी दूर करने को लेकर बैठक भी करते हैं। पूरे देश को हर घर तिरंगा मिशन पर गर्व है, लेकिन पीएम साहब, देश को इस वक्त रोजगार की भी जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर एक और फैसला ले लें तो पूरा देश उनके साथ खड़ा हो जाएगा और उनका नाम युगों युगों तक याद रखा जाएगा। सरकार सस्ता अनाज देती है, घर बनाने के लिए पैसा देती है, बच्चों को फ्री में स्कूल ड्रेस भी दे देती है, मगर अब मोदी सरकार को एक बहुत बड़ा मिशन हाथ में लेना होगा और वो है हर हाथ रोजगार का। अगर मुफ्त की योजनाओं को रोककर प्रधानमंत्री रोजगार पर ध्यान दें तो मुफ्त देने की कोई जरूरत नहीं होगी। देश को भी अब ये तय करना होगा कि मुफ्त राशन चाहिए या फिर रोजगार, क्योंकि मुफ्त आपका सिर्फ पेट भर सकता है। छोटे बच्चे को मुफ्त पेंसिल नहीं दे सकता, बड़ा होने पर रोजगार चाहिए होगा, तभी हमारे देश की तस्वीर बदलेगी और देश समृद्ध बनेगा। प्रधानमंत्री को सत्ता छोड़ने से पहले कुछ ऐसा करना होगा ताकि देश उन्हें हमेशा के लिए अपने दिल में बसा ले। भारत में कुल गांव की संख्या करीब 6 लाख के आसपास है। सरकार को पहले एक कमेटी बनाकर सर्वे करना चाहिए, कहां रोजगार और कहां स्वरोजगार के लिए काम किया जा सकता है। देश के हर घर तक रोजगार के लिए सरकार गांव-गांव तक कुछ ऐसा करे जिससे हर हाथ को रोजगार मिल सके, ताकि भारत के युवाओं और बेरोजगारों के दिल में प्रधानमंत्री हमेशा के लिए बस जाएं। अब पीएम मोदी तक ये संदेश पहुंचाना होगा कि हर घर रोजगार योजना भी लानी चाहिए। ये संदेश आप सभी को खुद पहुंचाना चाहिए। भारत ने अगर आज ध्यान नहीं दिया तो आने वाला कल कैसा होगा वो भी जान लीजिए। मुफ्त योजना से गरीब को फायदा तो तुरंत मिलता है, लेकिन भविष्य अंधकार में रहता है। मुफ्त योजना समाज के एक तबके को मिलती है, लेकिन मिडिल क्लास को कोई फायदा नहीं मिलता। मुफ्त योजना से बोझ सरकार पर बढ़ता है और सरकार वो बोझ टैक्स के रूप में बढ़ाती है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिसका उदाहरण भारत में लागू किया जा सकता है। नॉर्वे और फिनलैंड जैसे देश हैं जहां ना के बराबर बेरोजगारी है, उन देशों की आबादी कम है, ये भी सच है। लेकिन भारत लंबे वक्त तक एक प्लानिंग पर काम करे तो ये काम भारत भी कर सकता है। हमारे यहाँ सरकारी सेक्टर में भारी निराशा है, जैसे कि BSNL एक कंपनी है जो हर गांव में एक रोजगार पैदा कर सकती है, लेकिन सरकार BSNL पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। जियो जैसे प्राइवेट कंपनी में हमेशा भर्ती निकलती रहती है, लेकिन BSNL जैसी कंपनी बहुत कम भर्ती निकालती है। ऐसा इसलिए कि सरकार जिस कंपनी को अपने हाथ लेती है वो कंपनी अपने अंतिम दौर में दिखाई देती है। देश में सफाई कर्मचारियों का पद निकाला जाता है, जहां सफाई कर्मचारियों को सफाई का काम दिया जाता है, लेकिन सरकार स्कूलों में शिक्षक की भर्ती तेजी से नहीं करती, जो समाज की कई कमियों को साफ कर सकते हैं। यानी सरकारी योजना तो आती है, लेकिन गलत नीतियों के कारण वो सिर्फ बजट पर बोझ बढ़ाती है। पीएम मोदी से सबको इसलिए उम्मीद होती है कि वो बड़े फैसले लेने में हिचकिचाते नहीं है। भारत में रोजगार एक बड़ा संकट है, तो क्या इसके जिम्मेदार सिर्फ पीएम मोदी हैं या फिर दूसरी सरकारें भी, हर राज्य के मुख्यमंत्री भी? कभी कोई ठोस कदम उठाया गया? आखिर ये जख्म नासूर कैसे बन गया? चलिए अब वो भी समझते हैं। दरअसल मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया का वादा किया, लेकिन इसका फायदा बड़ी कंपनियों को मिल रहा है। सही मायने में मेक इन इंडिया को गांव में लागू करना चाहिए, जहां से एक बड़ा बदलाव हो सके। गांव कुम्हार कुल्हड़ बनाता है तो वो हवाई जहाज भी बना सकता है, इसलिए सरकार को गांव की तरफ ध्यान देना चाहिए। एक वक्त ऐसा था जब मेरठ के हर गांव में फुटबॉल बनती थी, वैसे ही हरदोई के हर गांव में कालीन का काम था, लेकिन आज लोग बेरोजगार बैठे हैं। भारत में ध्यान नहीं दिया जा रहा, इससे जो बचा हुआ रोजगार है वो भी खत्म हो रहा है। इसलिए वक्त आ गया है जब हर घर तिरंगे के साथ हर हाथ रोजगार का वादा भी पीएम मोदी को करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।